अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अभी एक दिन पहले ही मैंने हसन खान का जो है वो एक रिव्यू बनाया था प्री लव कंडीशन में, जितने भी मॉडल्स थे पिस्टल्स के, कुछ भाइयों ने एतराज़ किया कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो दोस्तों मैं दोबारा आया हसन भाई के पास शिकायत करने की आपकी प्राइसेस ज़्यादा हैं। तो हसन भाई ने कहा कि अगर मैं आपको एक्चुअल प्राइसेस बता दूं तो हम लोगों की मैंटेलिटी इस तरह है कि लोग आके उससे भी 10-20 हज़ार रुपये कम में मांगते हैं। तो हम जो आपको प्राइस बताते हैं उसका मकसद ये होता है कि आपको एक आइडिया हो जाए कि ये चीज़ इतने में है, और जब आप आएंगे यहाँ पे हसन भाई के पास तो उसमें ज़ाहिरी बात है आपको निगोसिएशन उसमें आप कर सकेंगे, उसमें आप ऊंच नीच नाप वो आप पॉसिबल है। तो हसन भाई, सबसे पहले तो मैं अपने सब्सक्राइबर का गिला दूर करता हूँ, कैनिक पड़ा हुआ है आपके पास 55 निकालें। कल जब हम लोगों ने CF98 दिखाया तो मैंने आपको मना किया कि नहीं, ये क्लोन है। आज हम दिखाते हैं क्लोन है लेकिन बहुत अच्छा मॉडल है, कैनिक का CZ का क्लोन बनाया हुआ कैनिक 55, एक बहुत ही कंसील्ड कैरी के लिए बहुत ही शानदार मॉडल, सारी एक्सटर्नल सेफ्टीज के साथ हैमर फाइट पिस्टल है जी ये। और इसकी अगर आप क्वालिटी, बिल्ट क्वालिटी देखें तो भी आपको अंदाज़ा होगा कि वाकई यूरोपियन स्टैंडर्ड पे जो है वो इस पिस्टल को बनाया गया था। दोस्तों ये कैनिक के कुछ पुराने मॉडल्स हैं जो कि अब आपको मार्केट में ब्रांड न्यू कंडीशन में नहीं मिलेंगे, अगर आपको मिलेंगे तो इसी कंडीशन में मिलेंगे जो कि इस वक्त इस पिस्टल की है। बहुत मुनासिब वज़न है इसका, एर्गोनॉमिक्स बहुत शानदार है, और चूँकि प्लेटफॉर्म तो ये सभी जानते हैं, इस प्लेटफॉर्म में तो कोई शक है ही नहीं। हसन भाई, इस पिस्टल के साथ एक मैगजीन है या दो मैगजीन है? दो मैगजीनों के साथ ये पिस्टल इस कंडीशन में कितने का मिलेगा? 1,50,000। 1,50,000 रुपए प्लस माइनस में दोस्तों आपको कैनिक 55 जो है वो अवेलेबल है हसन भाई के पास। हसन भाई, और आज आपके पास क्या मौजूद है? जिदाना आया है आपके पास यूज में, 19-20 कंडीशन है आपने। अच्छा ओके, ये कंपनी से ऑटो आया हुआ है और जो कि वैसे गैर कानूनी है, ठीक है दोस्तों, इसको छुपा कर रखा जाता है। और जिगाना दोस्तों, इस टर्किश ब्रांड के बारे में आपको बता दूं, ये वाहिद ओरिजिनल ब्रांड है टर्किश, ठीक है जी, जिसको क्लेम किया जा सकता है कि ओरिजिनल मॉडल। और इसकी परफॉर्मेंस, इसके फीचर्स बताने की बार बार ज़रूरत है नहीं, एक बैटल रेडी पिस्टल है, रियर साइड एडजस्टेबल है, एलिवेशन भी, विंडेज भी, उसके अलावा आपको जो है वो इसकी सारी सेफ्टीज एम्बिडेक्सस सेफ्टीज मिलती हैं। इसके साथ आपको दो अदद बॉक्स मिलेगा इसका ओरिजिनल, इसके साथ आपको दो अदद मैगजीन्स मिलती हैं ओरिजिनल, और दोस्तों बहुत अच्छी उसमें है, कंडीशन में है। हसन भाई, ये पिस्टल कितने में है? 2,50,000। और ये नया कितने में है? नया नहीं आता ये मॉडल, अब होगा अगर किसी के पास पड़ा होगा तो होगा। 10 मॉडल है, 2010। ये 2010 मॉडल है, और ये आपको हसन भाई के पास जो है इस ओरिजिनल कंडीशन में आपको 2,50,000 रुपए प्लस माइनस में मिल जाएगा। दोस्तों इसी में जो है एक और, जिसका थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि शायद किसी भाई ने, दोस्तों एक बात मैं इम्पोर्टेंट, इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, वेपन कोई भी हो, अगर आपने उसको आपने निगलेक्ट किया, अगर आपने उसको नज़रअंदाज किया, तो दोस्तों अच्छे से अच्छा पिस्टल भी जो है वो ख़राब हो जाएगा। जैसे आप इस पिस्टल को देख सकते हैं कि ये अब किसी ऐसे मालिक के पास था जिसको रखने का सलीका नहीं था, जिसको अपने पास एक अच्छी खूबसूरत चीज़ संभालने का तरीका नहीं था, तो वो इसको इस हालत में ले आया। अब इस हालत का परफॉर्मेंस से कुछ भी नहीं है लेना देना, ठीक है जी, लेकिन कीमत पे असर पड़ेगा, लोग कहेंगे जी ये। हसन भाई, अब इसकी क्या प्राइस है? 1,40,000 रुपये। आपने डिफरेंस देख लिया कि वहाँ पे वो कितने का था जी? 2,50,000 रुपये, और ये 1,40,000। 1,40,000 रुपये। बैरल कंडीशन कैसी है? 100% ओके है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हसन भाई, मुझे एक वो भी नज़र आ रहा है आपके पास, चाइना 30 बोर्ड, ये जो नए वाले मॉडल्स हैं जी, ये 310 में है, 310 में है,
ये रिकंडीशन पिस्टल है 310 में है। रिकंडीशन आप किस चीज को कहते हैं? ये जो दोबारा कंपनी से रिपेयर हो सकता है, ये वाला रिपेयर नहीं, किस कंपनी से रिपेयर होता है? ये रशियन ने बनाया हुआ है, ठीक है, चाइना की, लेकिन इधर बस इसको कोई। अच्छा, ये वो पीएलए वाला? पीएलए वाला नहीं, ये गप है हसन भाई, ये गप है। हाँ, ये पीएलए दोस्तों कहीं पे कोई सुराग नहीं है पीएलए का कि रशिया ने चाइना की आर्मी के लिए कोई पिस्टल्स बनाए हो, ऐसी कोई बात नहीं है। हो गई ये चाइनीज और इसके साथ कहानी बनाई गई है शीरी फरहाद की, तो बहरहाल क्वालिटी इज देयर जी, है चाइनीज, लेकिन प्राइस क्या है इसकी? 1 लाख रुपए। दोस्तों वैसे पता चलता है इसका कि कोई बड़ी सॉलिड किस्म की चीज है। अच्छा हसन भाई, इसमें जो न्यू मॉडल आते हैं वो कितने के हैं? वो तकरीबन आजकल 80,000 रुपए के हैं। 80,000 रुपए का? ये पीएलए का है लेकिन रशियन मॉडल है ये। अच्छा, ये भी हसन भाई के बकौल पीएलए लेकिन रशियन मॉडल। अच्छा, इस रशियन मॉडल में ये तो दोनों मुझे रशियन मॉडल नजर आ रहे हैं दोनों। ये 310 मॉडल है और ये ओके 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 मॉडल लिखा हुआ है, मैं समझ गया, 1959 ये 66, ठीक है। और इसकी क्या प्राइस है? ये 80,000। 80,000 रुपए का, ठीक हो गया दोस्तों। ये इस तरह के जो है वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं हसन भाई के पास, और आज मैं हसन भाई के पास जो है वो एक बड़ी प्यारी सी 7mm मुझे पीछे हसन भाई के पीछे पड़ी हुई नजर आ रही है। हसन भाई, ये 7mm तो ये इसका वुड स्टॉक बड़ा खूबसूरत नहीं है? कंपनी कौन सी है? कंपनी जो है पार्कर हेल है। पार्कर हेल है, ओके ओके ओके। मेड इन इंग्लैंड का, मेड इन इंग्लैंड। और प्राइस? प्राइस इसका 80,000 रुपए। बहुत मुनासिब प्राइस, बहुत मुनासिब प्राइस। पार्कर हेल तो दूसरी भी आपके पास? ये 70,000। ये 70,000 के, लेकिन नहीं इसका ये वुड स्टॉक जो है दिस इज। अच्छा हसन भाई, आजकल 7mm के राउंड्स कितने में मिलते हैं? राउंड 3,000 का 10 राउंड। 300 रुपए का एक राउंड? 300 रुपए का एक राउंड, ओके ओके। मेरे ख्याल में इस पे तो अगर आप 100 राउंड अपने पास ले लें काफ़ी हैं, क्योंकि ये तो बेसिकली है शिकार के लिए, दिस इज स्पोर्टिंग बोट। और हसन भाई, इसकी जो सबसे प्लस पॉइंट है ना वो ये है कि ये वो शिकारी हजरात पसंद करते हैं जिनको आवाज़ का इशू होता है, वो ये चाहते हैं कि इसकी आवाज़ पहाड़ों में ना गूंजे, तो पार्कर हेल मशहूर है अपनी इस क्वालिटी की वजह से, ठीक है जी। अच्छा हसन भाई, एक और ये मुझे सिर्फ दिखाते चले, आपके पास मैं एक ऑटो लोडर देख रहा हूँ टेक्निकल डिजाइन में, ये किधर की है? ये वाली जी, ये 12 बोर है। 12 बोर किस कंपनी की है? किस कंपनी का? वेगा जो अमेरिकन का कंपनी है। वेगा अमेरिकन कंपनी, मेड इन तुर्की। अच्छा ओके, ठीक है, मेड इन तुर्की। और ये 6-7 शॉट मुझे लग रही है, 7 शॉट है। प्राइस क्या है इसकी? इसका 65,000 रुपए वेगा कंपनी का। और इसमें फिर दूसरा जो इसी प्राइस रेंज में जो आता है 65,000 में टेक्टिकल में, वो अकार आती है, मेरे ख्याल में अकार में आती है, ऑटो लोडर भी आती है, पंप भी आती है, बिल्कुल दोनों आती है। और फिर इससे डिजाइन जो चेंज है मैगजीन वाला, तो वो मैवरिक और बेनिली और ये सारी जो है माइस्ट्रो वेस्ट्रो वो उनकी आती है सारी। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया हसन भाई, बहुत शुक्रिया आपके हवाले से। मैं सारे सब्सक्राइबर को बता रहा हूँ कि जो प्राइसेस हसन भाई बताते हैं उसमें आप आके हसन भाई के साथ जो है वो बातचीत कर सकते हैं। कम से कम मेरा मकसद ये होता है कि हसन भाई पे मुझे एतबार है, ठीक है जी। तो शॉप्स तो यहाँ पे बहुत सारी हैं, लेकिन ये वो बंदा है जिसको मैं कल आके गिला भी दे सकता हूँ, और ये वो बंदा है जो मेरे गिले को बसर और चश्म कबूल फरमाएगा, ठीक है जी। और अपना भी चैनल था हसन भाई का, लेकिन मैंने इनको मशवरा ये दिया कि आपका जितने भी आर्टिकल्स आते हैं आप हमें बताएं, हम दी गन एंथुजियास्ट से आगे करेंगे, और आपके पास जो भी आएगा दी गन एंथुजियास्ट का नाम लेगा, आप उसकी खातिर करेंगे। बहुत शुक्रिया हसन भाई, बहुत शुक्रिया।